हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरमान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरमान टेक्निकल XYZ में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाकर दिखाया हूँ एक 5 वोल्ट चार्जिंग इंडिकेटर सिस्टम। फ्रेंड्स, इसका यूज़ आप इमरजेंसी लाइट को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरमान टेक्निकल XYZ। इसे बनाने के लिए पहले हम लोगों को चाहिए पहला 5 वोल्ट मैक्रो USB फेमल सॉकेट। फ्रेंड्स, इसे आप दुकान से मात्र 5 रुपये में खरीद सकते हैं। और उसके बाद अब हम लोग को चाहिए एक डायोड। फ्रेंड्स, इस डायोड का नंबर है IN4007। फ्रेंड्स, ये आप लोगों को दुकान पर 1 रुपये में 2 पीस मिल जाएगा। उसके बाद एक चाहिए हम लोगों को LED। फ्रेंड्स, ये LED आप लोगों को दुकान पर 1 रुपये में 1 पीस मिल जाएगा और ये 5 mm का LED है। उसके बाद हम लोगों को चाहिए एक 47 ओम का रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को दुकान पर 1 रुपये में 2 मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, अभी आप जो ये डायोड देख रहे हो, ये डायोड का जो सिल्वर पट्टी लाइन है, यानी कि जिस तरफ सिल्वर लाइन कोटिंग किया गया है, वह इस डायोड का प्लस वाला है। फ्रेंड्स, इसे हम लोग रखेंगे बैटरी के साइड में, और जो ये ब्लैक, यानी कि जिस टाइप कोटिंग नहीं किया गया है, जिस टाइप सिर्फ ब्लैक स्ट्रिप है, उसको हम लोग रखेंगे इस फेमल सॉकेट के साइड में। फ्रेंड्स, चलिए करके दिखाते हैं। ये फेमल सॉकेट है, इसका जो प्लस वाला लेग है उसके ऊपर हम लोग कनेक्ट करेंगे इस डायोड का माइनस वाला लेग। फ्रेंड्स, इसमें लगाने से पहले इस डायोड का जो लेग है उसे हम लोग काट कर थोड़ा छोटा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस माइक्रो USB फेमल सॉकेट के प्लस वाले पर। फ्रेंड्स, पहले इस डायोड का काम आखिर होता क्या, ये जो डायोड है, डायोड से एक साइड करंट, मतलब जो माइक्रो USB फेमल सॉकेट है उस साइड से तो चला जाएगा, लेकिन बैटरी से इस साइड में करंट नहीं आएगा। बस डायोड का यही काम रहता है। चलिए पहले मैं इसका कनेक्ट, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग लेंगे इस LED को, और LED का जो प्लस वाला लेग है, यानी कि जो बड़ा लेग है ये इस LED का प्लस वाला लेग है, उसके ऊपर हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस रेजिस्टेंस को। चलिए पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, कनेक्ट करने के बाद इसका जो लेग है ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इसीलिए हम लोग इसे काट कर थोड़ा छोटा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको, फ्रेंड्स, ये दोनों को भी हम लोग इक्वल कर लेंगे ताकि कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो। अब इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस माइक्रो वोल्ट फेमल USB सॉकेट के दोनों लेग पर। फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस वाला है उसे हम लोग कनेक्ट करेंगे प्लस पर, और जो बिना रेजिस्टेंस का उसे हम लोग कनेक्ट करेंगे माइनस पर। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से हुआ है। अब हम लोग एक जम्पर वायर लेंगे और उसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर LED का माइनस लेग लगा हुआ है, वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे एक माइनस। अब फ्रेंड्स, एक हम लोग रेड कलर का वायर लेंगे, उसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे जो डायोड का जो दूसरा लेग है उसके ऊपर, कुछ इस प्रकार से। और फ्रेंड्स, ये दोनों वायर को अब हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस बैटरी के ऊपर। फ्रेंड्स, इस बैटरी को हम लोगों को चार्ज करना है, और ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। जिस साइड ये बैटरी का होल रहता है वो ये बैटरी का प्लस वाला है, और जो जिसके साइड पूरा सिंपल रहता है वो ये माइनस वाला है। फ्रेंड्स, जो भी हम लोग रेड कलर का वायर है उसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे बैटरी के प्लस वाले पर, और माइनस को कनेक्ट कर देंगे माइनस वाले पर। फ्रेंड्स, अब कनेक्शन हो गया है पूरा। अब हम लोग चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार इसका आप देख सकते हैं किस प्रकार से कनेक्शन हुआ है। जो फेमल USB सॉकेट है उस पर हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएं और उसको हम लोग कनेक्ट कर दिए LED के प्लस वाले से, और डायोड का भी कनेक्ट कर दिए और बैटरी को भी कनेक्ट कर दिए। फ्रेंड्स, सारा कनेक्शन हो गया पूरा। अब चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हम लोग
पहले हम लोग चार्जर को इस बोर्ड में लगा देंगे और इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसके अंदर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो ये एलईडी है पूरी तरह से अच्छा से जल रहा है। फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि डायोड काम कैसे करता है। फ्रेंड्स बैटरी से तो पावर इस साइड नहीं आने देगा, लेकिन ये मैक्रो यूएसबी सॉकेट से पावर को बैटरी की तरफ जाने देगा। फ्रेंड्स और आप देख सकते हैं एलईडी कितना ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।